जैन जी के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने की मंजूरी दे दी है। हास्यास्पद है आरोप। क्या कह रहे हैं एलजी साहब कि केंद्र सरकार की पीएसयू, कि केंद्र सरकार की सरकारी कंपनी, कि केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको नवरत्न का स्टेटस मिला हुआ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसने सत्येंद्र जैन जी को, जो दिल्ली सरकार में मिनिस्टर रहे, उनको रिश्वत दी। ये केस क्या था? देखिए, दिल्ली में एलजी का काम है क्राइम पर कंट्रोल, नियंत्रण पाना। उसमें एलजी एक टोटल फेलियर रहे हैं, ये किसी से नहीं छुपा। तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को सेफ बनाने के लिए, स्पेशली महिलाओं के पर्सपेक्टिव से, दिल्ली को सेफ बनाने के लिए और क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए ठान लिया कि पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। उस टाइम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी ने सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके, चाहे वो आरडब्ल्यूएस हो, चाहे वो ट्रेड यूनियंस हो, चाहे पुलिस हो, सबके साथ मीटिंग कर आइडेंटिफाई किए स्पॉट्स कहाँ कहाँ सीसीटीवी लगना चाहिए। उन्होंने पूरा कॉस्ट वर्कआउट किया और पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो करके कैबिनेट की मंजूरी के साथ अप्रूवल के लिए एलजी साहब को सीसीटीवी के लिए भेजा था। ये अप्रूवल आप सबको याद होगा। 2018 में अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को धरने पर बैठना पड़ा था एलजी हाउस में, ताकि ये सीसीटीवी पास हो जाए, क्योंकि एलजी साहब बैठ गए थे फाइल के ऊपर। उनको तो एक ही आदेश है कि दिल्ली सरकार के काम रोको, दिल्ली वालों का काम रोको। जब फाइनली धरने के बाद अप्रूवल, मंजूरी मिल गई सीसीटीवी लगाने की दिल्ली में, तो एक प्रॉपर टेंडर प्रोसेस हुआ। उस टेंडर प्रोसेस में जो लोएस्ट बिडर था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, केंद्र सरकार की पीएसयू, केंद्र सरकार की नवरत्न पीएसयू, मोदी जी की सरकारी कंपनी, उसको ये टेंडर मिला। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO। अरे ये गाड़ी किसने लगा दी यहाँ पे, अब क्या करूँ? अरे यहाँ तो ऑटो फायर का स्टिकर लगा है। इसके QR को स्कैन करके मैं इसके ऑनर को इन्फॉर्म करता हूँ, ताकि वो अपनी गाड़ी यहाँ से हटा ले। अच्छा, आप ही हैं क्या जिन्होंने ये ऑटो फाइल का QR स्कैन करके मुझे मैसेज किया था? अच्छा सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं अभी अपनी गाड़ी हटा लेता हूँ यहाँ से।